हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, आज की वीडियो कोई विशेष प्लांट पर नहीं है, बल्कि आज मैंने कुछ शॉपिंग करी है प्लांट्स की, विंटर प्लांट्स की, उसी के बारे में विद प्राइस मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स इतने आपको दिखाई दे रहे हैं, चार कलर में हैं, और ये देखिए हेल्दी भी हैं, मुझे तो हेल्दी लग रहे हैं। बाकी क्योंकि जिससे मैंने लिए हैं वो अच्छे प्लांट्स लेके आता है माली, जो ये रिक्शा पे रख के ले नहीं चलते, 15-15, 20-20 प्लांट, उन्हीं से ही मैंने परचेज किए हैं। तो ये देखिए, ये मुझे 250 ईच पड़ा है पॉइंट सेतिया का। और क्योंकि अगर नर्सरी जाकर मुझे 10-5 में कम भी मिल जाता तो उससे ज़्यादा का तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाता, इसको देखते हुए मैंने उससे यहीं पर बार्गनिंग की और ये ले लिए चार कलर। और दूसरे मैंने लिए हैं चार डेलिया, डिफरेंट कलर के हैं ये भी, ये 60 ईच पड़ा है, डिफरेंट कलर के हैं ये भी, 19-20 फ़र्क है थोड़ा सा मतलब। और ये देखिए, एक का तो फ्लावर भी स्पेंट हो चुका है, क्योंकि मेरे को लिए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, जब तो इसका पूरा खिला हुआ था। तो इसको मैं इस हटा दूंगी यहाँ से, ताकि जो बर्ड्स निकली हुई हैं उनको खिलने के लिए सारी पावर मिल सके। ये देखिए, पूरा स्पेंट हो चुका है, और नीचे दो बर्ड्स हैं, एक थोड़ी सी खिल चुकी है, एक वैसे है बंद। तो इसको हटाने के बाद उनका नंबर आएगा खिलने के बाद। तो ऐसे ही हमें करना चाहिए, प्रूनिंग, जिसको डेड हेडिंग या प्रूनिंग कहते हैं, क्योंकि हमें जब फ्लावरिंग प्लांट हम लेते हैं तो बर्ड्स वाले कोशिश करनी चाहिए, जिसकी बर्ड्स निकली हुई हो वो लेने चाहिए। पूरा 100% खिले हुए फ्लावर वाला नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए, अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ 4-5 दिन के बाद ही रिपोर्ट करूँ, ताकि ये गार्डन में दूसरे प्लांट्स के साथ फैमिलियर हो जाएं थोड़े से, उसके बाद मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। ये देखिए, और जो ये पॉइंट सेतिया हैं, इसकी तो मेरे काफ़ी दिन से मन में थी कि मैं लूँ, सीजन के एंड में मेरे को मतलब मिले हैं ये। इसके फ्लावर तो सर्दियों में ही आते हैं, लेकिन पूरा साल ये बना रहता है पॉइंट सेतिया, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। चलो, नेक्स्ट सीजन हमें पूरी सर्दियों में इसके फ्लावर देखने को मिलेंगे। और डेलिया का मैंने इसलिए लिया, क्योंकि जब एंड सीजन का एंड हो जाता है तो इसके जो बल्ब होते हैं ना, वो सेव करने की थी मेरे मन में, कि मैं सेव करके देखूं होते हैं कि नहीं होते ढंग से। तो इसलिए ये मैंने लिए हैं, क्योंकि दिसंबर में मिलने शुरू हो जाते हैं अच्छे से खिले हुए डेलिया, सिर्फ इसलिए लिया है मैंने कि इसके बल्ब सेव करके देखेंगे, होते हैं या नहीं लेते हैं, होते हैं नहीं फिर दोबारा से परचेज कर लेंगे खिले हुए फ्लावर डिफरेंट कलर के। और पॉइंट सेतिया की मिट्टी देखिए, ये ना लाल रंग की है, मतलब ये यहाँ के नहीं है, महाराष्ट्र साइड के हैं ये, पूना बॉम्बे साइड के, वहाँ पर लाल मिट्टी होती है। तो जब इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो ये लाल मिट्टी भी हटानी पड़ेगी मुझे, ये वहीं के आए हुए हैं इसका मतलब, क्योंकि यहाँ के मिट्टी का कलर है ना थोड़ा अलग है, और महाराष्ट्र साइड मिट्टी का कलर लाल रंग का होता है। तो काफ़ी सारे प्लांट दिल्ली में ना वहाँ से आते हैं, ये पहचान है मिट्टी की और स्टेट की। तो आई होप आपको ये कैसे लगे, रीजनेबल, महंगे या सस्ते, कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना प्लीज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, चाहे वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी है तो भी सब्सक्राइब करके जाइएगा।
और नई वीडियो में फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।